हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट, अब हम करेंगे अपना व्याकरण मधु का रिवीजन। तो जल्दी से अपनी बुक ले आइए और मेरे साथ साथ आपको भी रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके पर्यायवाची शब्द जो हैं असुर, दानव, धनुज, आसमान, आकाश, गगन, आँख, नेत्र, नयन, अंधकार, अंधेरा, तम, अतिथि, पाहुना, मेहमान, अमृत, सुधा, सोम, अश्व, घोड़ा, हेयर, तुरंग, गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, दिन, दिवस, वासरवार। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा चंद्रमा, चांद, शशि। तो ये सब आपको जहाँ तक मैंने करा रखे हैं वहाँ तक आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विलोम शब्द। जैसे अमृत का क्या होता है, विष, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अर्थ, अनर्थ, अपना, पराया, उपयोगी, अनुपयोगी, एक, अनेक, कोमल, कठोर, कृतज्ञ, कृतघ्न, इहलोक यानी परलोक, साक्षर, निरक्षक, सजीव, निर्जीव, सबल, निर्मल, सरल, कठिन, धनी, निर्धन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका कोई शत्रु ना हो आजाद शत्रु, जो कभी नहीं हारे अमर, जिसका अंत न हो अनंत, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कीमत न आकी जा सके अमूल्य, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विदुर, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जिसका आचरण बहुत अच्छा हो सदाचारी, सदा रहने वाला शाश्वत, 100 वर्षों का समय शताब्दी, और जो मधुर बोलता हो वो मधुरवासी। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका चैप्टर 13 संज्ञा, पेज नंबर 52 पर। तो ये संज्ञा आपको इसका बुक वर्क करना है। जैसे कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। जैसे उसने सारे प्रश्न बड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है सरल, तो हमने क्या बना दिया इसका भाववाचक संज्ञा, सरलता से हल कर दिए। विद्या बचपन से बहुत शरारती थी, आज बहुत गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी है, चलते चलते मुझे बहुत थकना का क्या हो जाएगा, थकावट होने लगी, समय पर पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हैं आपके रेखांकित संज्ञा का भेद। देखिए आपको ये पढ़ना है और आपको पता करना है इसमें कौन सी संज्ञा है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें आपको कुछ कोई भी शब्द दिए जा सकते हैं, उसको आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई, अपना, अपनापन, दास, दासता, ऊँचा, ऊँचाई, बूढ़ा और बुढ़ापा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है हमारा संज्ञा के बाद सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम इसमें क्या है, इसमें दे रखा है जैसे रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए। आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है, उसके भेद आपको लिखने होंगे। इसके बाद है निम्नलिखित सर्वनामों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये तुम्हें है, जैसे तुम्हें स्कूल जाना है, हम बाजार जाते हैं, स्वयं, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगा, कुछ दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद दे रखी है आपको निम्नलिखित पंक्तियों में उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको सर्वनाम का पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो भेज रखी है, आपको वो वीडियो केयरफुली देखनी है, सुननी है, समझनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा विशेषण। इसमें है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, उनके भेद का नाम भी लिखिए। तो आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है और आपको उसमें उसका भेद बताना होगा। इसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पर सर्वनाम है, सर्वनामक विशेषण खाली स्थान, इसके लिए आपको क्या करना, वीडियो देखनी होगी। इसके बाद आ जाता है सही गलत, और इसके बाद आ जाता है आपको ये आपके जोड़े मिलाने हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मैंने आपको कॉपी वर्क भी करा रखा है, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन तीनों की परिभाषाएं भी उदाहरण सहित याद करनी है और इनके भेद भी याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें और मैंने आपको करा रखा है, आपको मैंने इसके साथ दो पत्र भी करा रखे हैं क्लास सिक्स, वो भी आपको, दोनों पत्र भी आपको याद करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।